हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दुर्गा माँ का आउटलाइन ट्यूटोरियल, और ये ना ट्रेंडिंग स्पिल आर्ट होगा क्योंकि अभी बहुत चल रहा है स्पिल आर्ट। लेकिन ये ना बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मैं इसे पार्ट वाइज डालूंगी ताकि आप अच्छे से समझ सको कि कैसे कैसे ये इसके स्टेप कैसे होती है। पहली जो पार्ट रहेगी वो हमारी आउटलाइन होगी, फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा स्पिल आर्ट होगा कि कैसे हम इसको बना रहे हैं और किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं वो भी ईजी वे में। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत लोग का रहता है ना स्पील आर्ट बनाने का, जैसे कॉफ़ी से बनाते हैं, कोई एक्रेलिक कलर से बनाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आउटलाइन बनाने वाली हूँ, उसकी पिक मैं शेयर करती हूँ। और शेयर करने से पहले, मेरे चैनल का नाम है रेनबोन आर्क ऑफ कलर और मैं श्वेता कुमारी हूँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो के अपडेट्स और जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जो भी मैं बनाऊंगी ना उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी को मैं आउटलाइन करूंगी, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आपको जो मटेरियल चाहिए होगा वो होगा हमारा A4 साइज का एक ड्राइंग कॉपी। अगर आपके पास 140 GSM की कॉपी नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। एंड अगेन एक पेंसिल एंड इरेजर, बस आउटलाइन के लिए इतना ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आउटलाइन स्टार्ट कर दी है दुर्गा माँ की। यहाँ पे सबसे पहले आप आइज़ बनाएंगे, और आइज़ जो हमारा होगा वो ओवल शेप में होगा, और फिर हम इसमें आईबॉल देंगे, फिर हम उसमें नोज़ वगैरह बनाएंगे, नोज़ के बाद हम लिप्स बनाएंगे। सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज बना रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ कि इसमें कैसे कैसे हमारा आउटलाइन का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि जितनी हमारी जो ड्राइंग है स्लो प्रोसेस भी रहेगी, आप लोग उतनी ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा आउटलाइन है ये स्पिल आर्ट से रिलेटेड है, तो पहली जो पार्ट जो हमारी है वो स्पिल आर्ट तो नहीं होगी, हमारा नॉर्मल सा आउटलाइन ही होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि स्पिल आर्ट हम कैसे बनाते हैं और उसकी क्या क्या प्रोसेस है। तो हमने यहाँ आइज कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद फिर ऊपर में मैंने उनकी तिलक और तीसरी जो आइज होती है वो मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ मैंने नोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। नोज़ के लिए सबसे पहले आपको दो लाइन देनी पड़ती है ताकि हमें नोज़ का एक परफेक्शन शेप एंड साइज समझ में आ सके कैसे हमें बनाना है। फिर हमें साइड साइड से सी शेप दे करके उसकी एक शेप बना देनी है। फिर हमने जस्ट हम लोग नीचे से लिप स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। लिप बनाते समय आपको ध्यान देना है कि आपको जो ऊपर के पार्ट का लिप है ना बिल्कुल माउंटेन की जैसा बनाना है। जैसे आप बच्चे ना माउंटेन बनाते हैं ना पहाड़, वैसे ही आपको बनाना। फिर नीचे वाले एरिया को थोड़ा सा मोटा रखना है। फिर हम यहाँ पे नोज़ रिंग बना रहे हैं दुर्गा माँ जी के। नोज़ रिंग आपको डबल लाइंस में बनानी है, फिर उसके ऊपर कुछ बीड्स लगा रहे हैं। इसी तरह मैं सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ, आप इसे जरूर फॉलो कीजिए एंड उसे बनाइए कि कैसे कैसे बन रहा है। इससे पहले मैंने एक राधा अष्टमी से रिलेटेड मैंने राधा रानी जी की ड्राइंग बनाई हूँ, उसकी भी कलर वाली पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी क्योंकि अभी वो थोड़ी बहुत काम उसमें बचा हुआ है, इसलिए वो अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। और आप तब तक इसकी आउटलाइन बनाइए दुर्गा माँ जी की, मैं उसे भी ज़रूर डाल दूँगी। हमारा फेस वाला पोर्शन साइड कम्प्लीट होने के बाद मैं हम यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के बाद फिर हमें नेक का पोर्शन, फिर ज्वेलरी का पोर्शन, हेयर पोर्शन बनाऊंगी। बाकी आप देखते जाओ ये कैसे बन रही है। उसके बाद हम यहाँ पे हेयर बनाएंगे, और हेयर के कई सारे स्टेप्स बनाएंगे ताकि कलर करते समय आपकी बारीकियों को ध्यान दे सकूँ। फिर यहाँ पे हम लोग उनकी ज्वेलरी बनाएंगे।
ज्वेलरी बनाने के बाद हेयर वाली पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर नेक पोर्शन का एरिया हम बनाएंगे। साथ में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ मेरी दुर्गा माँ की आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, तो इसकी जो नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए मुझे जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नई आइडिया के साथ, नई DIY के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।